आपने सुना ही होगा बहुत लोगों का रूम हीटर यूज करने की वजह से सफोगेशन की वजह से उनका जान चला गया है और अगर आपको सांस का प्रॉब्लम है या फिर अस्थमा का प्रॉब्लम है या स्किन एलर्जी वगैरह का प्रॉब्लम है तो दोस्त आपको सोच समझ करके रूम हीटर को खरीदना होगा क्योंकि रूम हीटर की वजह से हेल्थ के ऊपर भी काफी असर पड़ता है दोस्तों वरना अगर आप बिना सोचे समझे किसी हीटर को भी खरीद लीजिएगा तो आपको इसे कबाड़ा में ही फेंकना पड़ेगा और आपका पैसा भी बर्बाद होगा इसीलिए दोस्त आपको वैसा रूम हीटर खरीदना होगा जो की आपके हेल्थ के लिए सही हो और आपके रिक्वायरमेंट और बजट के हिसाब से आपको सूट करता हो और इस वीडियो में हम इन सभी टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे देखिए दोस्त इस वीडियो को मैं काफी रिसर्च और एनालाइज करने के बाद ही आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ वीडियो थोड़ी लंबी होगी दोस्त लेकिन मेरा वादा है आपसे की आपको इस वीडियो में इतना ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगा की आप खुद से अपने लिए अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक बेस्ट रूम हीटर खरीदने में बिल्कुल सक्षम होंगे इसीलिए दोस्त आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा मैं सभी तरह के रूम हीटर को यूज कर चुका हूँ और मैं आपको ये भी बताऊंगा की मेरा कौन सा फेवरेट वाला रूम हीटर है लेकिन एक रूम हीटर को खरीदने से पहले आपको बहुत सारे बातों को जानना होगा हो सकता है कुछ बातें आपको पता हो लेकिन इस वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा देखिए दोस्तों अगर देखा जाए तो रूम हीटर तीन तरह के होते हैं और उन तीनों रूम हीटर को हम लोग आगे कंपेयर करके देखेंगे जिससे की आपको और भी क्लियर हो जाए की कौन सा रूम हीटर आपको खरीदने के लिए बढ़िया रहेगा तो उस पार्ट को भी आप जरूर देखिएगा लेकिन उससे पहले हम लोग ये जान ले तीनों रूम हीटर होते क्या है पहले नंबर के रूम हीटर को जनरली हम लोग रेडियंट या फिर इंफ्रा रूम हीटर के नाम से जानते हैं इसमें आपको एक दो या फिर तीन हीटिंग रॉड देखने को मिलता है जो कि आपका टंगस्टन हो गया नाइक्रोम हो गया या फिर कार्बन का एलिमेंट से बना होता है इन हीटिंग एलिमेंट को हम लोग जनरली ग्लास के अंदर में रखते हैं और उसमें हाइड्रोजन या फिर न्योन गैस भरा जाता है और वही जब हम लोग इसमें सप्लाई देते हैं तो इस तरीके से इसमें आपका हीट प्रोड्यूस होता है तो जैसे हम लोग सर्दियों में लकड़ी से आग जला करके अपने हाथ या फिर पैर को सेकते हैं उसी तरीके से यह रूम हीटर भी काम करता है जो की आपके आस के एरिया को क्विकली हीट कर देता है लेकिन इसका कुछ लिमिटेशन है दोस्तों यह रूम हीटर आपका पर्सनल यूज के लिए ठीक रहता है या फिर छोटे रूम साइज के लिए ठीक रहता है दूसरे नंबर के रूम हीटर को हम लोग जनरली फैन रूम हीटर या फिर कन्वेक्शन रूम हीटर के नाम से जानते हैं इसमें भी आपको नाइक्रोम या फिर सेरामिक मटेरियल हो गया या फिर पीटीसी का लगा मिलेगा आपको और उसके पीछे में फैन लगा रहता है या फिर ब्लोअर लगा रहता है जो की गर्म हवा को बाहर फेंकता है और इस तरीके से यह रूम हीटर काम करता है जो की आपके रूम को क्विकली हीट भी कर देता है इसमें दोस्तों जो पीटीसी हीटिंग एलिमेंट है उसको हम लोग पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशियंट के नाम से भी जानते हैं जो की मार्केट में अभी सबसे लेटेस्ट है और यह आपका स्पेशल टाइप का हीटिंग एलिमेंट है जो कि आपके रूम को क्विकली हीट भी करता है और रूम के अंदर टेम्परेचर को मेंटेन करने में भी काफी हेल्पफुल रहता है जो थर्ड नंबर का रूम हीटर है दोस्तों उसके बारे में आपको पता चल ही गया होगा वो है ऑयल फील्ड रूम हीटर जैसा कि इसका नाम है इसमें आपको अलग अलग मेटल्स के के फिन देखने को मिलेंगे और और इन के अंदर में आपका आपका ऑयल भरा रहता है और एक हीटिंग एलिमेंट होता है जो ऑयल के अंदर में में ही नीचे डूबा हुआ रहता है और यह हीटिंग एलिमेंट सबसे पहले ऑयल को गर्म करता है और धीरे धीरे जो ऑयल है फिर आपका जो मेटल के फिन होते हैं उनको हीट करता है और जो आस पास के एयर है इन मेटल फिन से टकरा करके पूरे रूम को धीरे धीरे हीट कर देते हैं तो इस तरीके से दोस्तों ऑयल फील्ड रूम हीटर काम करता है लेकिन इसका रूम को हीट करने का प्रोसेस दोस्तों काफी स्लो होता है लगभग आपको घंटों लग जाते हैं एक रूम को हीट करने के लिए लेकिन वही अगर हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यह रूम हीटर काफी अच्छा होता है तो ये थे दोस्तों हमारा तीनों तरह का रूम हीटर लेकिन इसमें से भी आपको कौन सा रूम हीटर खरीदना चाहिए आइए हम उसको कंपेयर करके देख लेते हैं ताकि आपको और भी बेटर आइडिया हो जाए तो देखिए दोस्तों अगर चाइल्ड सेफ्टी के नजर से देखा जाए तो रेडियंट रूम हीटर उतना सेफ नहीं होता है क्योंकि इसका सामने का जो ग्रिल होता है वो बहुत ज्यादा हीट हो जाता है वही फैन रूम हीटर का जो सामने का ग्रिल होता है वो उतना ज्यादा नहीं होता है और ऑयल फील्ड रूम हीटर में जो फींस होते हैं वो भी बहुत ज्यादा हीट नहीं होते हैं तो फैन रूम हीटर और ऑयल फील्ड रूम हीटर चाइल्ड सेफ्टी के नजर से अच्छे होते हैं अगर लार्ज स्पेस के लिए देखा जाए तो रूम हीटर दोस्तों लार्ज स्पेस के लिए suitable नहीं होता यानी यह या सिर्फ पर्सनल यूज या फिर स्मॉल रूम रूम को ही हीट कर पाएगा फैन फैन हीटर में fan होने की वजह से बड़े रूम साइज को भी वार्म कर देगा वही ऑयल फील्ड रूम हीटर भी दोस्तों बड़े रूम साइज के लिए सुटेबल होता है हाँ यह रूम को हीट करने में थोड़ा सा समय लेता है इनर्जी इफिशियंट के मामले में देखे तो जो रेडियंट रूम हीटर होता है वो आपका कम ज के साथ आता है यानी इसमें लगभग आपको 400 या फिर 800 हंड्रेड वाट देखने को मिलेगा लेकिन वही फैन रूम हीटर और फैन होने की वजह से इसमें आपको थोड़ा बहुत नॉवाइज देखने को मिलेगा और ऑयल फील्ड रूम हीटर में भी आपको कोई नॉइज देखने को नहीं मिलेगा तो रेडियंट और फैन रूम हीटर आपके आस के एरिया को तुरंत हीट कर देते हैं लेकिन वही ऑयल फील्ड रूम हीटर आपको रूम को हीट करने में लगभग समय ले लेता है अगर ऑक्सीजन और ह्यूमिडिटी अल्टर की बात करें तो रेडियंट हीटर और फैन रूम हीटर दोनों ही ह्यूमिडिटी को कम करता है जिसकी वजह से आपका स्किन ड्राई हो सकता है या फिर स्किन एलर्जी भी हो सकता है और अगर आप फैन रूम हीटर को ज्यादा देर तक चलाते हैं तो सांस लेने में भी आपको अनकंफर्टेबल फील हो सकता है वही आपको ऑयल फील्ड रूम हीटर में ये प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा तो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ऑयल फील्ड रूम हीटर काफी अच्छा होता है हाँ वही अगर प्राइस की बात करें तो रेडियंट हीटर और फैन रूम हीटर लगभग आपको थाउजेंड और टू थाउजेंड के बीच में मिल जाएंगे लेकिन ऑयल फील्ड रूम हीटर दोस्तों काफी महंगा देखने को मिलेगा ऑयल फील्ड रूम हीटर का प्राइस आपको एट से लेकर टेन थाउजेंड के आस देखने को मिलेगा अब आपको क्लियर हो गया होगा की आपको अपने बजट और रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन सा रूम हीटर लेना चाहिए अगर आप लो बजट वाला रूम हीटर जैसे की रेडियंट या फिर ब्लोअर वाला रूम हीटर हो गया उनको लेना चाह रहे हैं तो मैं उसके लिए आपको बताऊंगा की इन रूम हीटर को आप कैसे सेफली यूज करिए ताकि आपको यूज करने में इसको प्रॉब्लम नहीं हो और आपके हेल्थ के ऊपर असर भी नहीं पड़े इससे लेकिन उससे पहले हम लोग देख लेते हैं रेडियंट फैन और ऑयल फील्ड रूम के इन तीनों के हर एक कैटेगरी में जो टॉप थ्री बेस्ट रूम हीटर है कि सबसे बिकने वाले हैं और काफी अच्छे फीचर्स के साथ आते हैं वीडियो को बनाने से से पहले दोस्तों हर एक कैटेगरी में लगभग दस रूम हीटर को कम्पेयर किया हूँ और उसमें से जो बेस्ट रूम हीटर है सिर्फ उसी को इस वीडियो में इंक्लूड किया है। तो आप बोल सकते हैं दोस्तों की काफी रिसर्च और एनालाइज करने के बाद ही आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ आप विश्वास नहीं करेंगे दोस्तों मुझे एक वीडियो बनाने में लगभग आठ से दस दिन का समय लग जाता है ताकि आप तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए और आप एक बढ़िया प्रोडक्ट खरीदवा तो दोस्त आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपको कोई सा हीटर पसंद है और वही हमारा फल है दोस्त इससे हमें चैनल को चलाने में और आपके सामने क्वालिटी कंटेंट लाने में फाइनेंशियली बहुत हेल्प मिलती है तो दोस्त आपसे रिक्वेस्ट है आपको जो भी रूम हीटर पसंद है उसी लिंक के थ्रू ही आप जाकर उस रूम हीटर को खरीदिएगा तो आइए दोस्तों सबसे पहले हम लोग देखते हैं बेस्ट थ्री रेडियंट रूम हीटर के बारे में और इन तीनों रूम हीटर को दोस्तों कंपेयर करके दिखाएंगे ताकि आपको डिसीजन बनाने में काफी आसान हो जाए और किस में क्या कमी है और क्या अच्छाया हैं आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा और इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा दोस्तों की ये कम्पेरिजन वाला फॉर्मेट आपको कैसा लगा और दोस्त इस रेडियंट रूम हीटर में आपको तीन तरह का हीटिंग एलिमेंट देखने को मिलेगा पहले में आपका हो गया कार्बन फिर दूसरे में हाइलोजन और तीसरे में क्वार्ट्ज का तीनों में ही आपको सेम हीटिंग देखने को मिलेगा लेकिन क्वालिटी वाइज दोस्तों कार्बन सबसे पहले नंबर पर आता है फिर हाइलोजन और उसके बाद क्वार्ट्ज वाला हीटिंग एलिमेंट आता है कार्बन वाले रेडियंट रूम हीटर आपको मार्केट में कम देखने को मिलेगा या फिर थोड़ा महंगा मिलता है जनरली आपको हाइड्रोजन और क्वार्ड्स का ही रूम हीटर देखने को मिलेगा तो आइए अब हम कंपेयर करके देखते हैं बेस्ट थ्री रेडियंट रूम हीटर के बारे में इसमें तीसरे नंबर पर मैंने बजाज का आर वाला मॉडल रखा है दूसरे नंबर का रेडियंट रूम हीटर हैवल्स की तरफ से आता है और पहले नंबर पर दोस्तों मैंने क्रोमटन का इंस्टा कोजी वाला मॉडल रखा है तो सबसे पहले इसके वाटेज की बात करें तो बजाज और हैवल्स दोनों एट वाट के साथ आते हैं क्रोमटन वाला मॉडल दोस्तों ट्वेल्व वाट के साथ आता है हीटिंग रॉड तो की बात करें तो बजाज और हेबल में दो हीटिंग रॉड मिलते हैं जिसमें कि एक हीटिंग ही चार सौ वाट होता है वहीं अगर क्रोमटन में देखा जाए तो आपको तीन हीटिंग रॉड मिलते हैं हीट सेटिंग की बात करें तो बजाज और को फोर हंड्रेड वाट और एट हंड्रेड वाट दोनों पर चला सकते हैं यानी अगर आप चाहे तो एक रॉड को भी जला सकते हैं या फिर दोनों रॉड को भी यूज कर सकते हैं वही क्रोमटन में आप इसे फोर हंड्रेड और ट्वेल्व वाट पर चला सकते हैं अगर हीटिंग एलिमेंट की बात करें तो बजाज में आपको हेलोजन ट्यूब देखने को मिलेगा में आपको वाला हीटिंग एलिमेंट मिलेगा और क्रोमटन में भी आपको हेलोजन ट्यूब मिलेगा सेफ्टी टिप की बात करें तो तीनों में आपको आपका गलती से गिर जाता है तो अगर उनका हाथ नहीं जल पाएगा ऑक्सीलेशन की बात करें दोस्तों क्रोमटन वाले रूम हीटर यह रोटेट करता है जो की अच्छी बात है घूम घूम करके पूरे रूम को हीट कर देगा ब्यूड क्वालिटी की बात करें दोस्तों में आपको अच्छा ब्यूड क्वालिटी देखने को मिलेगा वारंटी की बात करें तो जाज और हैबल्स दोनों में आपको टू ईयर्स का वारंटी मिलता है लेकिन क्रोमटन में रोटेटिंग पार्ट होने की वजह से इसमें आपको सिर्फ वन ईयर का वारंटी मिलेगा प्राइस की बात करें दोस्तों तो बजाज वाला रोमीटर आपको फोर्टीन हंड्रेड में मिलेगा हंड्रेड के आसपास में मिलता है और क्रोमटन आपको थ्री थाउजेंड के आसपास देखने को मिलेगा देखिए अगर आप बड़े रूम साइज के लिए रोमीटर लेना चाह रहे हैं या फिर अगर आपका फेमिली साइज थोड़ा बड़ा है तो आपका जो क्रॉमटन का रेडियंट रोमीटर है उसको खरीद सकते हैं लेकिन ये थोड़ा सा कॉस्टली आता है नहीं तो अगर आपका फेमिली साइज थोड़ा छोटा है या फिर आप छोटे रूम साइज के लिए रोमीटर लेने

हम ये भी देखेंगे कि इन रूम हीटर्स को कैसे सेफली यूज करें ताकि आपके हेल्थ के ऊपर ज्यादा असर नहीं पड़े फैन रूम हीटर में दोस्तों मैंने तीसरे पर का मॉडल रखा है ये का नया मॉडल है।, है।, है और पहले नंबर पर मॉडल है इनके वाटेज की बात करें तो तीनों रूम हीटर आपको टू थाउजेंड वाट के साथ ठीक ठाक गर्म कर देंगे तो ऑर्पिट में आपको नॉर्मल जो नाइक्रोम के हीटिंग एलिमेंट ते हैं वही मिलता है लेकिन मोर्फी रिचर्ड और हेबल्स में आपको अच्छे क्वालिटी का पीटीसी रूम हीटर देखने को मिलता है तीनों में ही आपको ओवर हीट प्रोटेक्शन मिल जाएगा तो सर्टेन हीट के बाद यह खुद से ही ही ऑटो ऑफ हो जाता है तीनों ही रूम हीटर में दोस्तों आपको दो हीट सेटिंग देखने को मिलेगा जिससे की आप अलग अलग वाटेज पर तीनों रूम हीटर को चला सकते हैं लेकिन ऑर्पिट के पुराने वाले मॉडल में सिर्फ एक ही हीट सेटिंग देखने को मिलता था इसीलिए दोस्त मैंने पुराने वाले मॉडल को इस वीडियो में इंक्लूड नहीं किया हूँ इस वीडियो में जो ऑर्पिट का नया फैन रूम हीटर है उसको रखा हूँ अगर हीटिंग के समय बॉडी का टेम्परे देखा जाए तो ऑर्पेट का जो आउटर सर्फेस एरिया है वो थोड़ा ज्यादा हीट होता है लेकिन वही मोर्फी रिचर्ड और हैबल्स में आपको बॉडी टेम्परेचर कम देखने को मिलेगा तो नोएज की बात करें तो ऑर्पेट के रूम हीटर का नोवाइज थोड़ा ज्यादा है वही मोर्फी रिचर्ड और इन दोनों में ही दोस्तों जो फैन का नोवाज बहुत ही कम है तीनों में ही आपको फ्रंट सेफ्टी ग्रिल मिल जाता है जिससे की कोई भी हीटर के अंदर में उंगली नहीं घुसा पाएगा और एक अच्छी बात है दोस्तों हैबल्स में आप फ्रंट ग्रिल को ऊपर नीचे एडजस्ट भी कर सकते हैं ड्यूड क्वालिटी की बात करें तो ऑर्पेट का जो रूम हीटर है थोड़ा सा पीछे रह जाता है बाकी आपको मॉर्फी रिचर्ड और हैस में अच्छा बिल्ड क्वालिटी देखने को मिलेगा वारंटी की बात करें दोस्तों तो और में रूम हीटर आपको फोर्टीन के आसपास मिलेगा मौर्फी रिचर्ड वाला रूम हीटर आपको फोर के आसपास देखने को मिलेगा और वही है आपको थ्री के आसपास में मिलेगा दूसरा पीटीसी रूम हीटर भी देख सकते हैं जो की हमेशा बेस्ट सेलिंग रहता है वो हैबॉस का सोलास मॉडल इसमें एक अच्छा फीचर है कि यह रूम हीटर आपका रोटेट भी करता है तो इसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा आपको लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों यह रूम हीटर सिर्फ पंद्रह सौ वाट के साथ ही आता है तो अगर आपका रूम छोटा है या फिर एक सौ बीस स्क्वायर फीट के आस पास है तो ही इस रूम हीटर को खरीदिएगा देखिये दोस्तों तीनों फैन रूम हीटर बताया हूँ अगर आपका बजट कम है तो आप ऑर्पेट वाला मॉडल ले सकते हैं वो भी कम प्राइस में आपको एक अच्छा रूम हीटर मिल जाता है और अगर आपको बजट का कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर आप हाइबर्स वाला रूम हीटर ले लीजिए उसमें आपको पीटीसी हीटिंग एलिमेंट देखने को मिलता है और इसका बिल्ड क्वालिटी भी काफी अच्छा आता है देखिए दोस्त इन रूम हीटर्स को यूज करने से पहले आपको कुछ सावधानियां जरूर बरतना होगा नहीं तो यह आपके हेल्थ को भी डैमेज कर सकता है सबसे पहली बात आप इस रूम हीटर को एक से दो मीटर की दूरी पर रख करके यूज करिए नहीं तो यह आपके स्किन को ड्राई भी कर सकता है या फिर आपके स्किन को जला सकता है और दूसरी बात यह रूम हीटर आपके रूम के ह्यूमिडिटी को कम कर देता है तो जिसकी वजह से आपका स्किन तो ड्राई होगा ही हो सकता है आपकी आंखों में भी थोड़ा बहुत एलर्जी देखने को मिल जाएगा या फिर सांस लेने में थोड़ा बहुत अनकंफर्टेबल फील कर सकते हैं इसीलिए आप कोशिश करिएगा कि इन फैन हीटर्स को आप ज्यादा देर तक ना चलाएं और रात में सोते समय तो इसको जरूर ही ऑफ करके सोया करिए पूरी रात ना चलाएं तो बेहतर रहेगा ह्यूमिडिटी को मेंटेन करने के लिए आप एक काम कर सकते हैं आप अपने रूम हीटर के आसपास में पानी से भरा हुआ कंटेनर रख सकते हैं जिससे थोड़ी बहुत बहुत ह्यूमिडिटी मेंटेन हो जाएगी बहुत लोग आपको यूट्यूब रहे होंगे यह रूम हीटर आपके ऑक्सीजन को बर्न करता है लेकिन मैंने इसके ऊपर काफी रिसर्च किया दोस्तों मुझे वैसा कोई प्रूफ नहीं मिला तो आप इधर उधर के बातों पर ज्यादा विश्वास न करें तो दोस्तों इस रूम हीटर के साथ जो प्रॉब्लम था वो आपको अगले कैटेगरी का जो रूम हीटर आ रहा है उसमें आपको ये कमियां देखने को नहीं मिलेंगी तो जो तो अगला कैटेगरी है दोस्त वो है आपका ऑयल फील्ड रूम हीटर इसमें आपको सांस का प्रॉब्लम या फिर स्किन एलर्जी का शिकायत नहीं मिलेगा तो आइए जो टॉप थ्री बेस्ट ऑयल फील्ड रूम हीटर है उसको कंपेयर करके देख लेते हैं लेकिन उससे पहले हम लोग ये देखते हैं की एक ऑयल फील्ड रूम हीटर के अंदर में क्या क्या होना चाहिए सबसे पहले दोस्तों ऑयल फील्ड रूम हीटर के अंदर में आपको अलग अलग फिन कैपेसिटी देखने को मिलेगा तो जितना ज्यादा आपका फिन से उतना ही ज्यादा हवा टकरा करके उतने बड़ा एरिया को गर्म करेगा हाँ सिर्फ नंबर मैटर नहीं करता आपका वाटेज भी मैटर करता है तो कोशिश करिएगा आप जो भी ऑयल फील्ड रूम हीटर ले रहे हैं कम से कम दो वाट या फिर उससे ज्यादा ही हो ऑयल फील्ड रूम हीटर दोस्तों थर्टीन और फिफ्टीन अलग अलग फिन कैपेसिटी में आता है तो अगर आपके रूम का साइज हंड्रेड टू वन स्क्वायर फीट हो तो आप नाइन फिन वाला रूम हीटर ले सकते हैं अगर वन टू वन स्क्वायर फीट है तो आप फिर इलेवन फिन वाला रूम हीटर ले सकते हैं वन थर्टी टू वन स्क्वायर फीट के लिए आप थर्टीन फिन वाला रूम हीटर ले सकते हैं और अगर आपके रूम का साइज वन स्क्वायर फीट से ज्यादा है तो फिर आप फिफ्टीन फिन के साथ जाइए कोशिश करिएगा आप ज्यादा फिन कैपेसिटी वाला ही रूम हीटर लेने का अगर आपका एक बार रूम हीट हो गया तो फिर आप हीट सेटिंग का यूज करके कम वाटिस पर भी इस रूम हीटर को चला सकते हैं सेकेंड इम्पोर्टेंट पॉइंट दोस्तों आपके ऑयल फील्ड रूम हीटर में पीटीसी फैन हीटर जरूर होना चाहिए ताकि आपका रूम जल्दी से गर्म हो जाए और आप इसे हाथ या फिर पैर को सेकने के लिए भी यूज कर सकते हैं बहुत सारे ऑयल फील्ड रूम हीटर दोस्तों पीटीसी फैन हीटर के साथ नहीं आते हैं तो इसीलिए आप वैसा ही रूम हीटर लीजिए जिसमें आपका पीटीसी फैन हीटर जरूर हो क्योंकि आप आठ से दस हजार रूपए एक ऑयल फील्ड रूम हीटर को खरीदने में लगा रहे हैं तो आपके हीटर में दोस्तों सारे जरूरी फीचर जरूर होना चाहिए नहीं तो खरीदने के बाद पछताने वाले काम नहीं होना चाहिए अगर अगले पॉइंट की बात करें तो इसमें एक वेब से फीन वाला ऑयल हीटर आता है जिसका कि सरफेस एरिया ज्यादा होता है और ज्यादा सरफेस एरिया होने की वजह इस से इससे ज्यादा हवा टकरा करके आपको रूम को जल्दी से हीट कर देता है लेकिन यहाँ थोड़ा कॉस्टली आता है दोस्तों तो आइए अब ज्यादा बकवास नहीं करेंगे हम जल्दी से अपने टॉप थ्री जो बेस्ट ऑयल हीटर हैं उनको कंपेयर करके देख लेते हैं ऑयल फील्ड रूम हीटर के कैटेगरी में दोस्तों मैंने तीसरे नंबर पर मोरफी रिचर्ड का ऑयल फील्ड रूम हीटर रखा है सेकेंड में मैंने बजाज के रूम हीटर को रखा है और थर्ड में दोस्तों हैवल का जो अभी हाल ही फिलहाल में रूम हीटर लॉन्च हुआ है जो की वेब सेफ फिन वाला रूम हीटर है अगर इनके वाटेज की बात करें तो तीनों में ही दोस्तों आपको ट्वेंटी का हीटिंग एलिमेंट देखने को मिलेगा और फोर वाट का पीटीसी क्वाल देखने को मिलेगा जो की अच्छी बात है दोस्तों यह रूम हीटर आपका पीटीसी फाइन हीटर के साथ भी आता है तो टोटल मिला करके आपको ट्वेंटी नाइन हंड्रेड वाट का रूम हीटर यह देखने को मिल जाएगा फींस कैपेसिटी की बात करें तो तीनों ही रूम हीटर आपको नाइन इलेवन और थर्टीन फिन साइज में देखने को मिलेगा लेकिन हैबल्स में आपको 15 फिन साइज भी मिल जाएगा और हैबर्स का यह मॉडल दोस्तों वेव सेप वाला है तो आपके रूम को क्विकली हीट कर देगा तीनों में ही दोस्तों पीटीसी फैन हीटर मिलता है हीट सेटिंग की बात करें दोस्तों तो को आप थाउजेंड थाउजेंड फाइव हंड्रेड और ट्वेंटी फाइव हंड्रेड अलग अलग वाटेज पर चला सकते हैं तीनों ही रूम हीटर में आपको थर्मोस्टेट कंट्रोल लॉब भी देखने को मिलेगा तीनों हीरो मीटर ओवर हीट प्रोटेक्शन के साथ आते हैं और अच्छी बात है तीनों ही रूम हीटर में आपको ऑटो ऑफ टील सेफ्टी देखने को मिल जाएगा तो गलती ही से अगर आपका रूम हीटर टिल्ट हो जाता है या फिर टेढ़ा होकर के गिर जाता है तो यह रूम हीटर खुद से ही ऑफ हो जाएगा जो कि सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी बात है तीनों में ही आपको कास्टर व्हील देखने को मिलेगा तो इजिली आप रूम हीटर को कहीं भी मूव कर सकते हैं ब्यूड क्वालिटी की बात करें दोस्तों तो तीनों में ही आपको अच्छा ब्यूड क्वालिटी देखने को मिलेगा तीनों में ही आपको टू ईयर का वारंटी मिलता है लेकिन प्राइस की बात करें दोस्तों तो इलेवन फीन वाला आपको मौर्फी रिचर्ड का मॉडल एट्टी के आसपास देखने को मिलेगा वही बजाज का रूम हीटर आपको नाइन के आसपास में मिलेगा और हैबल्स का वेब से होने वजह से थोड़ा सा महंगा मिलता है यानी यह आपको के आसपास मिलेगा फिन होने की वजह से दोस्तों यह हैवल का जो ऑयल हीटर है थोड़ा सा महंगा है लेकिन इसमें भी आपको एक नॉर्मल ऑयल हीटर मिल जाएगा तो नॉर्मल फिन वाले हीटर का दाम भी दोस्तों लगभग नाइन के आसपास है तो इसका भी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा आप चाहे तो उसको भी खरीद सकते हैं तो ये थे दोस्तों हमारे टॉप के थ्री बेस्ट ऑयल हीटर इसमें मैं आपको हैवल्स वाला ऑयल हीटर रिकमेंड करूंगा क्योंकि यह काफी अच्छे बीड क्वालिटी के साथ आता है आप चाहे तो इसमें आप नॉर्मल फिन या फिर वेव फिन वाला रूम हीटर ले सकते हैं आप अपने बजट के हिसाब से कोई भी ले लीजिए ऑयल हीटर जनरली दोस्तों आठ से दस साल आराम से चल जाते हैं और इस हैवल के मॉडल में आपको बढ़िया क्वालिटी का ऑयल भी मिल जाता है जो कि जनरली आपका देखा जाए तो हीट को ज्यादा देर तक रिटेन करके कर रखता है और आपको ऑल ओवर इंडिया में इसका सर्विस भी बढ़िया मिल जाता है तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों अब आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको अपने बजट और रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन सा रूम हीटर लेना है मैंने कोशिश किया था दोस्तों एक ही वीडियो में आपको सभी इन्फॉर्मेशन देने का और आपसे रिक्वेस्ट है दोस्त मैंने जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है उसी लिंक का यूज़ करके आप अपना रूम हीटर खरीदिएगा उससे हमें थोड़ी बहुत फाइनेंशियली हेल्प हो जाएगी ठीक है दोस्त चलते हैं अगर आपका और भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं मैं उसका जल्दी से रिप्लाई देने का कोशिश करूँगा मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में तब तो तक तो ख्याल रखिए अपना बाय